आज हम गाजर, मूली और मिर्ची का मिक्स अचार डालेंगे। ये हमने 3 से 4 गाजर ली हैं और इतनी ही हमने मूली ली हैं। तो हमने गाजर को अच्छे से धो लिया और मूली को भी अच्छे से धो लिया और हमने इसे 1 इंच के करीब इतने पतले टुकड़ों में काट लिया है, सभी गाजर को भी और मूली को भी। हमने दोनों को 1-1 इंच में इस तरीके से काट लिया है। हम मिर्ची को बाद में काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिर्चियों को अलग हटा देंगे क्योंकि इन्हें हम बाद में काटेंगे और एक डोना लेंगे, उसमें इन दोनों चीजों को डाल देंगे। दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद और हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे नमक और हल्दी को। नमक और हल्दी अच्छे से मिल जाएंगे तो हम इसे पूरी रात के लिए ढक के रख देंगे। अब इसे रखे हुए करीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, तो देखिए ये हमारा पानी इस तरीके से इसमें निकल जाएगा। अब एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर छालनी रखेंगे और इस छालनी में जो हमारा पानी है उसको निकाल के अलग कर लेंगे। जैसे ही हमारा पानी निकल जाएगा हम छालनी को हटा लेंगे। अब हम एक थाली लेंगे और इस थाली में हम इसको अच्छे से फैला देंगे। आप कपड़े के ऊपर भी फैला सकते हैं और ऐसे भी फैला सकते हैं। हमें बस इसका क्या करना है, ये सारी नमी हमारी खत्म हो जाए। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। अगर आप धूप में नहीं रखें तो पंखे की हवा में ऑल नाइट रख सकते हैं। अब हमारे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं तो ये जो हमारे सीलापन था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हमने मिर्ची को भी करीबन 1/2 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सरसों के 2 से 3 चमचे तेल डालेंगे। अब हमारे तेल में धुआं उठ गया है तो हमें ये 1/2 चम्मच इसमें हींग डालनी है और जो ये हमने मिर्ची ली है वो मिर्ची डाल देनी है और अच्छे से चला देनी है और गैस को बिल्कुल कम कर देना है। और इसमें तुरंत हम ये जो हमने मूली और गाजर ली थी वह भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से चला देते हैं। गैस हमें बिल्कुल कम रखनी है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक लेंगे। नमक हमें कम ही लेना है क्योंकि हमारे पहले भी नमक में ही हमने इसको गलाया था, इसलिए ये हमने 2 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है जिसको हमने दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, ये डाल देंगे। और 1/2 चम्मच हम इसमें दाना मेथी है जिसको हमने दरदरा पीस रखा है, वो भी डाल देंगे। और ये हमने पीली राई ली है, इस पीली राई को हम 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे। आप इसमें काली राई भी ले सकते हैं, हमने पीली राई ली है। और ये 1 चम्मच हम सौंठ का पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच के करीब हम लाल मिर्ची डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मिर्ची। और इन सभी मसालों को अच्छे से चलाएंगे। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब कलौंजी डालेंगे। कलौंजी हम लास्ट में डालते हैं ताकि इसका कलर ना उतरे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा अचार बनके रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख देंगे और इसको हम किसी मर्तबान वगैरह में भर के रख देंगे। चाहे तो आप इसे 1-2 दिन बाद खा सकते हैं। ये देखिए।